गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत के जो अर्बनाइज एरियाज हैं, उनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है ओवर क्राउडिंग। और ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ होना, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ता है, लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट। और भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ पर आपको ओवर क्राउडिंग दोनों ही तरीके से देखने को मिलेगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में और रिलेटिव टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स की बात हुई कि एक्चुअली वो ओवर क्राउडेड है, यानी कि एक्चुअली वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं, उन सिटीज की बात कर रहे हैं जहां पर एक्चुअली ओवर क्राउडिंग इतनी तो नहीं है, बट जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे पूरा कर पाने में असमर्थ है, जिसके कारण रिलेटिव टर्म्स में वो ओवर क्राउडिंग कहला रहा है, क्योंकि जो सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं पर। तो इस ओवर क्राउडिंग के कारण देखिए हम किस तरीके से हेल्थ पे असर पड़ेगा उसकी हम बात करें। तो ओवर क्राउडिंग के कारण हाउसेस की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, रहने के लिए आवास नहीं मिलता। आज की तारीख में भारतीय शहरों को प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन नए मकानों की आवश्यकता है, लेकिन इसका केवल 15% ही प्रतिवर्ष बन पाते हैं। निश्चित तौर पे इसमें सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंस आता है, लैंड की कीमत आती है, और इनकी जुगाड़ करने में, इनकी जरूरतें पूरे करने में व्यक्ति दूसरी अन्य चीजों पर ध्यान देना बंद कर देता है, जिसमें हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू है। साथ ही साथ भारत की 35% जो अर्बन फैमिलीज हैं, लगभग 18.9 मिलियन वो आज भी एक ही रूम के घरों में निवास करती है। तो ये जो बैड फिजिकल एनवायरनमेंट है ये हेल्थ को पूरी तरह से प्रभावित करता है, खासतौर पर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनका स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। कोरोना के केस में हमने अभी देखा ही कि किस तरीके से धारावी में बहुत तेजी से ये कोरोना फैला और लगभग 60% जनसंख्या को अपनी चपेट में ले चुका वहां पर। इसी के साथ ही दूसरी जो एसोसिएटेड समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो कि लेबर फोर्स का करीब 15-25% तक होता है। यदि भी हम ये मान सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो इनकम है वो रूरल एरियाज की तुलना में ज्यादा है, लेकिन ये जो ज्यादा हमें इनकम निकल रही है वो वहां के रहन सहन के कॉस्ट की तुलना में बहुत कम पड़ जाती है। निश्चित तौर पे जो सिटीज में निश्चित तौर पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ आने वाले इन माइग्रेशन के या इनफ्लक्स के जो क्वांटम है उसके सामने कम पड़ रही है। अनप्लान्ड, अनचेक्ड और हैफेजर्ड जो ग्रोथ है स्लम एरियाज की, स्क्वैटर सेटलमेंट्स की, वो आज की तारीख में सिटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता जा रहा है। और खास तौर पे जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो सराउंडिंग एरिया से पुअर पीपल आ रहे हैं वो सिटी सेंटर में निवास करना पसंद कर रहे हैं, तो उसके कारण ये जो फीचर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के खास लक्षण बनते जा रहे हैं। इनको अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे दिल्ली में इनको हम झुग्गी कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, बॉम्बे में इनको झोपड़पट्टी के नाम से जाना जाता है, चेन्नई में इन्हें चेरी के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में इन्हें बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो इन चेरी, बस्ती, झोपड़ी या जिनको हम झोपड़पट्टी कह रहे हैं, इनका विकास खास तौर पे सिटी के जो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उनके आसपास काफी ज्यादा हुआ है। तो स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956
ये सेक्शन 3 के अनुसार स्लम उन एरियाज को कहा जाता है जहां वो ह्यूमन के रहने के लिए हर प्रकार से अनफिट है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हेल्थ को लेकर के कितना इम्पोर्टेंट इश्यू हो सकता है कि ये ऐसी जगह है जहां ह्यूमन हैबिटेशन के लिए टोटली अनफिट है इन एनी रिस्पेक्ट, और जो कि डिट्रीमेंटल है सेफ्टी, हेल्थ और मोरल के लिए। सोशली हम देखें तो जो ये स्लम एरियाज हैं, ये रेस्ट ऑफ अर्बन सोसाइटी से आइसोलेट रहने की इनकी टेंडेंसी रहती है, और यहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल सोशल सिम्टम्स लाइक ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, डेविएंट बिहेवियर, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्लम ड्वेलर्स और जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, जो प्रॉपर अर्बन ड्वेलर्स हैं, उनके बीच में किसी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे आपको उनकी कल्चरल बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि स्लम्स जो है जनरली हम देखते हैं कि जो सिटी एरियाज हैं उनके अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें किसी न किसी तरह का कुछ एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्लम्स में ये स्ट्रेटिफिकेशन बहुत शार्प होता है। तो यहाँ पर शार्प सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअलिस्टिक ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, सेग्रीगेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात सोशल नेटवर्क में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी जो कि मेंटली इन लोगों को काफी बीमार कर सकते हैं। भारत में अगर स्लम्स की बात करें तो एक या दो रूम के हटमेंट्स होते हैं और जनरली ये गवर्नमेंट या पब्लिक लैंड के ऊपर बने हुए होते हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फूले हुए पेट के ब्लोटेड बेलीज और फैमिश्ड स्केलेटन वाले बच्चे घूमते हुए दिख जाएंगे जो कि ज्यादातर डिसेंट्री, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, पोलियो जैसे रोगों से ग्रसित देखने को मिल जाएंगे, और ये जो चाइल्डहुड में ही ये बीमारियां पा रहे हैं, कई बीमारियां तो इनको लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती, काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर मिलेगी, और ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये इवन रूरल एरियाज की तुलना में भी ज्यादा है। स्लम्स के साथ ही जो एक बड़ी समस्या है वो है कहीं भी छोटे छोटे गत्ते के प्लास्टिक की थैलियों से जो आप घुमंती देखते हैं उस तरीके से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाते रहना, इनको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट कह लेते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं और ये शहर के किसी भी पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, खासतौर पर ये बाहरी क्षेत्रों में। ज्यादातर इनमें जो बच्चे होते हैं वो आपको कचरा बीनते हुए मिलेंगे, घातक केमिकल्स के ये संपर्क में जल्दी आते हैं, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अनकंट्रोल मैनर में बनते हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको सिविल एमिनिटीज लाइक वाटर, लाइट, सीवेज फैसिलिटी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, और ये नॉन लीगल होते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी तरह की सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इनको अवेलेबल ही नहीं हो पाता। ये लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं और इनमें सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादातर इनमें माइग्रेंट्स हैं और कई तो सेकंड और थर्ड जनरेशन के स्क्वैटर्स हैं इसके अंदर। तो ये जो स्लम एरियाज और स्क्वैटर सेटलमेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है जो न केवल इन एरियाज के इनहेबिटेंट्स के लिए है बल्कि पूरी सिटी के लिए है, कि पूरी सिटी के लिए एक हेल्थ हजार्ड पोज कर सकते हैं। सेंसस 2001 के अनुसार भारत में 607 टाउन्स और सिटीज में जो कि 26 स्टेट्स में और यूटीज में है वहां पर स्लम पॉपुलेशन निवास करती है। सबसे बड़ी स्लम पॉपुलेशन जो कि 10.6 मिलियन की है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, यूपी का, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एमपी और दिल्ली का नंबर आता है।
यहाँ एक आश्चर्यजनक बात आपको ये लगेगी कि पटना में सबसे कम स्लम है, हालांकि ये डेटा स्क्रूटनी में है अभी। तो स्लम पॉपुलेशन की जो लार्जेस्ट आप कंसंट्रेशन देखेंगे वो चार मेजर सिटीज में है, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। ग्रेटर मुंबई की तो 48.88% जो पॉपुलेशन है वो स्लम डेयर से ही है, जिसमें से मुख्य धारा भी ही है जो कि सेंट्रल मुंबई में है और लार्जेस्ट स्लम है एशिया का। यहाँ पर कुछ गलियां तो इतनी सकरी हैं कि वहां एक बाइसिकल भी नहीं गुजर पाती, और ये जैसा मैंने आपको पहले भी कहा शैडोलेस ट्रीलेस अनकंट्रोल्ड गार्बेज स्टैग्नेंट पूल और फाउल वाटर, ये यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक। और इन इलाकों में अगर कोई नॉन ह्यूमन क्रिएचर दिखाई देता है तो है वो कौवे और चूहे, इसके अलावा आपको वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इनके अलावा फरीदाबाद, मेरठ, कोलकाता, नागपुर जैसी जो सिटी है वहां एक तिहाई से ज्यादा पॉपुलेशन स्लम ड्वेलर्स की ही है। इन स्लम्स के कारण और स्क्वाटर सेटलमेंट के कारण, अनइवन अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण आपको सिटीज में कई जगह पर ट्रैफिक बॉटलनेक्स देखो मिल जाएंगी। ये ट्रैफिक बॉटलनेक्स का मतलब ऐसा है कि ये वो इलाके हैं जहां ट्रैफिक यूजुअली बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि वहां रोड सकरा हो सकता है या वहां पर बहुत ज्यादा रोड का कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसके अनुरूप वहां पर उसकी जो मोबिलिटी है उतनी ज्यादा नहीं है। ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है लगभग ऑल सिटीज में, सभी सिटीज के अंदर ये ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक बॉटलनेक की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ मवेशियों का और पालतू जानवरों का फ्री मूवमेंट जो कि रोड्स पे हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम बनती जा रही है। देखा जाए तो 1971 में जहां प्रति व्हीकल 3 किलोमीटर रोड अवेलेबल था वो रिड्यूस होके 2004 में मात्र 0.23 किलोमीटर रह गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी गहन समस्या है ये। जो CPHEEO है वो कहता है कि बड़ी सिटीज में जहां 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां 125 से 200 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन ये पानी कभी भी वास्तविक रूप से नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश सिटीज के अंदर ये स्थिति पूरी नहीं हो पा रही। तो निश्चित तौर पे ये जो जनसंख्या है वो स्वच्छ जल से दूर है और इस कारण से वहां जल जनित रोगों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारत के अधिकांश अर्बन एरियाज में, खासतौर पर स्लम्स एरियाज में सीवेज फैसिलिटी भी नहीं है। करीब 60% से अधिक जनसंख्या के पास कोई सीवेज सिस्टम तक एक्सेस नहीं है। अधिकांश शहरों में वाटर पाइप्स सीवर लाइंस की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रन करते हैं, जिसके कारण कंटामिनेशन के कारण कई प्रकार की वाटर बॉर्न डिजीजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी मात्रा में कचरे का निस्तारण नहीं हो पाने के कारण सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है यहाँ पर। तो जगह जगह पर ये जो लैंडफिल्स हैं जहाँ पर कचरा निस्तारण किए जा रहा है और जहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, उसके कारण वो डिजीजेस के लिए हॉटबेड बनते जा रहे हैं और कई प्रकार के पॉइजनस सब्सटेंसेस लीक होके सराउंडिंग में, खासतौर पे वाटर में जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वहां तक पहुंच रहे हैं। तो जो लोग
गार्बेज के, रॉ सीवेज के नजदीक रह रहे हैं, वहाँ पर आपको डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग, जॉइंडिस, डायरिया, टाइफाइड जैसे रोग काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्राइम की भी बहुत ज्यादा समस्या को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही मैं आपको बताया कि मेंटल यहाँ पर एक जो स्टेटस है वो प्रॉपर नहीं रह पाता, तो ये इंक्रीज जो टेंडेंसी है अर्बन क्राइम्स की, ये किसी भी अर्बन क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है और खासतौर पर अनसेफ बनाता है अर्बन एनवायरमेंट को वुमेन्स के। ग्रोइंग मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कंपटीशन फॉर एवरीडे लाइफ, सेल्फिशनेस, लेविशनेस, अपेलिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, ये प्राइमरी कारण है अर्बन क्राइम्स के बढ़ती हुई टेंडेंसी का। तो रिसोर्स क्रंच भी यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है। यदि भी आप देखेंगे तो लगभग सभी जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो अर्बन पॉपुलेशन में, जो प्रॉपर अर्बन पॉपुलेशन में है, वहां आपको बेहतर मिलेंगे। लेकिन जब अब आप अर्बन स्लम्स की बात करेंगे तो वहां ये सभी हेल्थ इंडिकेटर रूरल पॉपुलेशन से भी बुरे देखने को मिलेंगे। और यहां अगर आप स्लम्स की बात करें तो स्लम्स में हेल्थ को प्रभावित करने वाले जो की डोमेन्स हैं, वो की डोमेन्स बनते हैं अर्ली एज में मैरिज, हाई फर्टिलिटी, मैटरनल हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, लो चाइल्ड सर्वाइवल रेट, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, हाई स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस और लेस एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिकली देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिजीजेस हैं वो रेस्पिरेटरी एंड फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है। अर्बन पुअर्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत कॉमन है। यहाँ आपको शॉर्ट टर्म एयर पॉल्यूशन बॉर्न डिजीजेस लाइक अस्थमा, इम्फाइजेमा और लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन बॉर्न डिजीजेस लाइक COPD, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज एंड अदर सिस्टेमिक डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, खास तौर पर अर्बन पुअर्स। तो ये समस्या है हेल्थ प्रॉब्लम से जो अर्बनाइजेशन के साथ में एसोसिएट है। यहाँ पर हम हमारा चैप्टर क्लोज करते हैं। धन्यवाद।